Phylum Arthropoda is further classified into seven classes, that is Trilobita, Oinkophora, Crustacea, Arachnida, Chylopoda, Diplopoda and Hexapoda, जिसे हम क्लास इंसेक्टा भी बोलते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में पहली क्लास है ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा में अर्लीस्ट नॉन मैराइन आर्थ्रोपोड्स आते हैं। क्लास ट्राइलोबीटा के ऑर्गेनिजम्स 52 करोड़ ईयर्स पहले अर्थ पे ओरिजिनेट हुए। क्लास ट्राइलोबीटा में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स काफ़ी समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इतने पुराने आर्थ्रोपोड्स का हमें आज कैसे पता चला? आज हमें इन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स डीप ओशन बेड में मिलते हैं, जिनकी स्टडीज से हमें इस क्लास का पता चला। क्योंकि क्लास ट्राइलोबीटा आज एक्सटिंक्ट है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेकंड क्लास है ओइंकोफोरा। ओइंकोफोरा में वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी जिनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इनकी बॉडी के ऊपर वेलवेटी टेक्सचर होता है। इस फीचर के कारण इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को वेलवेट वॉर्म्स कहा जाता है। क्लास ओइंकोफोरा का फेमस एग्जांपल है पेरीपेटस। ओइंकोफोरा के ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल हैबिट के होते हैं, यानी जमीन पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी काफ़ी स्मूथ वेलवेटी होती है, तो इनको लोकोमोशन के लिए सरफेस पे चलने के लिए क्लोज की नीड होती है, यानी इनके पैरों में एक पंजे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो इनको सरफेस से बाइंड करने में हेल्प करते हैं जब ये चलते हैं। इसलिए इन्हें बोला जाता है क्लॉ बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास ओइंकोफोरा में एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स के अ पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, यानी इस तरह से दो एंटीना होते हैं एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड पे। और विजुअल ऑर्गन्स की बात करें तो आइज इतनी डिस्टिंक्टली और क्लियरली विजिबल नहीं होती, यानी क्लास ओइंकोफोरा में सिंपल आइज होती है। ओइंकोफोरा में ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो आपको बाहर से सेगमेंटेशन इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। साथ में इनके बहुत सारे लेग्स होते हैं जो कि अनजॉइंटेड होते हैं, यानी लेग दो या तीन डिफरेंट पार्ट से जॉइंट होके आपको नहीं मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको कुछ कुछ अर्थवॉर्म से भी मिलते दिखेंगे। अर्थवॉर्म्स फाइलम एनालिडा में आते हैं, जो आर्थ्रोपोडा से जस्ट पहले क्लास है। इसका मतलब क्लास ओइंकोफोरा एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बीच में। क्लास ओइंकोफोरा में कुछ फीचर्स फाइलम एनालिडा के सिमिलर है और कुछ फीचर्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के सिमिलर है। क्लास ओइंकोफोरा में रेस्पिरेशन क्यूटेनियस होता है, यानी डायरेक्टली स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और उस्टिया होते हैं और बॉडी फ्लूड हीमोलिम्फ होता है। एंटीरियर पोर्शन पे दो ओरल ट्यूब्स होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ओरल पेपिलाई, जिनसे एक स्लाइमी लिक्विड 1 फीट की दूरी तक जाके गिरता है। ओइंकोफोरन्स एक्चुअली प्रीडेटर्स होते हैं, और जब कोई प्रे इनके पास आता है तो इन ओरल पेपिलाई से ये स्लाइमी लिक्विड ये उन पे डाल के उन्हें पैरालाइज कर देते हैं, और फिर उन्हें अपने स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा के थ्रू डाइजेस्ट करके एनगल्फ कर लेते हैं। इनके माउथ में मैंडिबल इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। मैंडिबल माउथ पार्ट्स में एक च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का पार्ट होता है। इन ऑर्गेनिजम्स में ये पार्ट काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि आपने देखा कि फूड को एनगल्फ करके खाते हैं और पूरी तरह से उनको ग्राइंड और च्यू नहीं करते, तो इसलिए इनके माउथ पार्ट्स को बोला जाता है नॉन मैंडिबुलेट टाइप। क्लास ओइंकोफोरा में डेवलपमेंट एनामॉर्फोसिस के थ्रू होता है, यानी जिस तरह से इंसेक्ट्स में ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट अलग अलग फेजेस होती है, यानी एग्स, लार्वा, प्यूपा
एन एडल्ट, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, उस तरह की फेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑइंकोफोरेंस ये सब फेजेस नहीं पाई जाती। इनमें सिंपली ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट फेज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट सिर्फ बॉडी के कुछ सेगमेंट्स या कुछ अपेंडिजेस का ही डेवलपमेंट होता है। ऐसी ग्रोथ को एनामॉर्फोसिस कहा जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में थर्ड क्लास है क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में एक्सोस्केलेटन के अंदर एक करैक्टरिस्टिक मिनरल डिपोजिशन पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट की, जिसे बोला जाता है कैल्सिफिकेशन। इस कैल्सिफिकेशन के कारण इनका एक्सोस्केलेटन और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। ये हार्ड एक्सोस्केलेटन क्रस्टेशियंस को ओशियन के अंदर प्रीडेटर से बचाता है और वाटर के लॉस को मिनिमाइज करता है। वर्ड क्रस्टेशिया लैटिन वर्ड क्रस्टा से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है शेल। क्रस्टेशियंस में हार्ड कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन मिलना ये इस क्लास का करैक्टरिस्टिक फीचर है। ज़्यादातर क्रस्टेशियंस एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो मरीन एनवायरनमेंट हो ओशियंस में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो। क्रस्टेशियंस के फेमस एग्जांपल हैं क्रैब्स, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प्स, क्रिल एक्सेट्रा। लेकिन कुछ क्रस्टेशियंस ने अपने आप को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए भी अडप्ट कर लिया है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हर्मिट क्रैब एंड वुड लाउस। क्रस्टेशियंस में बॉडी के अंदर क्लियर सेगमेंटेशन दिखते हैं। बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, लेकिन हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। हेड पोर्शन को बोला जाता है सिफेलोन और ये थोरेक्स के साथ कंबाइंड होके हम इसे बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में बात करें, क्रस्टेशियंस में टू पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइस होती है, कम से कम 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, इनके माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट होते हैं, जैसा कि मोस्ट क्रस्टेशियंस एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स होते हैं जैसे फिशेस में होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ऊस्टिया होते हैं और बॉडी फ्लूड हीमोलिम्फ होता है। क्रस्टेशियंस में डेवलपमेंट ऑइंकोफोरा की तरह एनामॉर्फोसिस के थ्रू होता है। मोस्टली क्रस्टेशियंस हर्बीवोरस या कार्निवोरस होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में फोर्थ क्लास है एरेक्निडा। एरेक्निडा ग्रीक वर्ड एरेकेन से डराइव्ड है, जिसका मतलब है स्पाइडर। क्लास एरेक्निडा में मेनली स्पाइडर्स आती हैं, यानी मकड़ियां आती हैं। स्पाइडर्स के साथ इस क्लास में स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स एट्सेट्रा, ये सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मोस्टली एरेकनिड्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स लैंड पे ही पाए जाते हैं। एरेकनिड्स की बॉडी टू सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोसोमा, जिसका मतलब है सिफेलोन और थोरेक्स दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स, और दूसरा सेगमेंट होता है ओफिस्थोसोमा, जिसका मतलब है एब्डोमेन। एरेक्निड्स में मोस्टली 4 पेयर्स ऑफ लेग मिलेंगे, यानी 8 लेग्स होते हैं। कुछ एरेक्निड्स में 2 पेयर ऑफ अपेंडिसेस और भी दिखेगी आपको, जिसमें से फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिसेस को बोलते हैं कैलिसेरे। ये माउथ से एंटीरियर पोर्शन पे अटैच्ड होते हैं। ये मेनली फीडिंग और डिफेंस में हेल्प करते हैं। जब भी स्पाइडर को थ्रेट परसीव होता है तो ये प्रे के अंदर वीनम इंजेक्ट करते हैं इन्हीं कैलिसेरे के थ्रू, जिनके अंदर होलो ट्यूब्स होती हैं। इन्हीं कैलिसेरे को स्पाइडर के जॉ कहा जाता है, यानी जबड़ा। एरेक्निड्स में माउथ पार्ट नॉन मैंडिबुलेट होते हैं और मैंडिबल की जगह इनमें
कैले सिरे फंक्शन करता है। स्पाइडर्स में सेकंड पेयर ऑफ अपेंडिसेस को बोलते हैं पेडीपल्प्स, जिनका फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन में रोल होता है। पेडीपल्प्स लेग्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए कुछ स्पीशीज में आपको 10 लेग्स दिखेंगे, जबकि एरेक्निड्स का करैक्टरिस्टिक फीचर है 4 पेयर्स ऑफ लेग्स यानी 8 पैर। और सेंसरी ऑर्गन्स में स्पाइडर्स में 1 पेयर ऑफ सिंपल आईज होती है। और स्पाइडर्स का एक और करैक्टरिस्टिक फीचर, इनके अंदर एंटीना एब्सेंट होते हैं। स्कॉर्पियंस की मॉर्फोलॉजी स्पाइडर्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। पहली प्रोसोमा, जिसे हम सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। दूसरा सेगमेंट मीजोसोमा, या जिसे एब्डोमन बोलते हैं। और स्पाइडर में हम इस सेगमेंट को क्या बोलते थे, ऑफिस्टोसोमा। और थर्ड सेगमेंट है मेटासोमा या टेल। स्कॉर्पियंस में पेडीपल्प्ड सीजर लाइक, आगे ये 2 सीजर लाइक अपेंडिसेस होती हैं। एरेक्निडा में स्पाइडर्स में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, यानी इनमें काफ़ी सारी माइक्रो ट्यूब्स होती हैं, जिनकी बाहर की तरफ ओपनिंग स्पायरेकल्स के थ्रू होती है। इन स्पायरेकल्स के थ्रू ये एयर ब्रीथ करते हैं। और कुछ स्पाइडर्स और मेनली स्कॉर्पियन के अंदर यही ट्रैकियल रेस्पिरेशन मॉडिफाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ बुक लंग्स। इसमें अल्टरनेट पैचेस ऑफ टिश्यू एंड एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसके कारण इसकी अपीरियंस एक बुक जैसी लगती है, इसीलिए इस ऑर्गन को बोला जाता है बुक लंग्स। एरेक्निडा में सर्कुलेटरी सिस्टम में बाकी आर्थ्रोपोड की क्लासेस की तरह ही डोर्सल हार्ट और ओपनिंग ऑस्टिया होते हैं, और बॉडी फ्लूड हीमोलिम्फ होता है। एरेक्निडा में डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें मेटामॉर्फोसिस तो मिलता है, बट मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस तो दिखती हैं, जैसे एग, लार्वा, निम्फ और एडल्ट। इसमें अगर आप देखें तो लार्वा और निम्फ में ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इट्स एडल्ट ही दिखता है, सिर्फ इनमें साइज और कुछ अपेंडिसेस का ही वेरिएंस होता है। एरेक्निडा के लार्वा में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी 6 लेग्स होते हैं। और फर्दर इनमें मोल्टिंग के दौरान निम्फ के अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स डेवलप होते हैं, यानी 8 लेग्स होते हैं, जो कि क्लास एरेक्निडा का करैक्टरिस्टिक फीचर है। मोस्टली क्लास एरेक्निडा में ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग करते हैं। इस कंडीशन को ओवीपैरस कंडीशन कहा जाता है। और वहीं स्कॉर्पियंस डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। इस कंडीशन को वीवीपैरस कंडीशन कहा जाता है, यानी स्कॉर्पियंस के अंदर डिफरेंट फेजेस नहीं होती ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, जिसका मतलब इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज इनके अंदर एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो एडल्ट के सिमिलर होता है, वही डिफरेंट माउल्टिंग से एक एडल्ट स्कॉर्पियन बनता है। मोस्टली एरेक्निड्स या तो फाइटोफेगस होते हैं या प्रीडेटर्स होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में अगली 2 क्लासेस हैं, काइलोपोडा एंड डिप्लोपोडा। ये दोनों क्लासेस सब फाइलम मायरीपोडा में आते हैं। मायरीपोडा ग्रीक वर्ड है। मायरी का मतलब होता है 10,000 और पोडा का मतलब होता है लेग्स। यानी इन दोनों क्लासेस के अंदर ऐसे क्रिएचर्स आएंगे जिनमें बहुत सारे लेग्स मिलेंगे। इन दोनों क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंसेस सिर्फ इनके नाम से ही पता चल जाएगा, जिसमें से पहली क्लास है काइलोपोडा। काइलो का मतलब है लिप और पोडा मीन्स अपेंडिसेस यानी लेग्स। इस क्लास के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेंटीपिड्स, सी फॉर काइलोपोडा एंड सी फॉर सेंटीपिड्स। सेंटीपिड्स सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें हर सेगमेंट में अ पेयर ऑफ लेग मिलते हैं, यानी हर सेगमेंट में 2 लेग्स मिलेंगे आपको।
और फर्स्ट सेगमेंट में पाए जाने वाले अपेंडिसेस मॉडिफाइड होते हैं पॉइजनस क्लॉज की फॉर्म में, जिन्हें बोलते हैं फॉर्सिप्यूल्स। और इन्हीं फॉर्सिप्यूल्स के थ्रू जब ये किसी प्रे पे अटैक करते हैं तो इनके थ्रू ये उसके अंदर वीनम इंजेक्ट करते हैं। इन्हीं फॉर्सिप्यूल्स के कारण ये एक अच्छे प्रीडेटर होते हैं और अपने प्रे को मार कर खाते हैं, यानी ये कार्निवोरस होते हैं। और वहीं क्लास डिप्लोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में फॉर्सिप्यूल्स अब्सेंट होता है और इसलिए वो हर्बीवोरस होते हैं और डिकेइंग लीव्स और अदर डेड प्लांट मटेरियल को फीड करते हैं। डिप्लो मींस टू एंड पोडा मींस लेग। इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में हर सेगमेंट में टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी फोर लेग्स होते हैं। इन टू पेयर्स ऑफ लेग्स के कारण इस क्लास को बोलते हैं डिप्लोपोडा। और इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को मिलीपीड्स कहा जाता है। वर्ड मिलीपीड लैटिन लैंग्वेज से डराइव्ड है, जिसका मतलब होता है थाउजेंड फीट, क्योंकि बहुत सारे मिलीपीड्स में थाउजेंड्स ऑफ लेग्स भी पाए गए हैं। दोनों ही मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स की बॉडी रीजन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड और एक मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक, यानी एब्डोमेन में बहुत सारे सेगमेंट्स एक ट्रंक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों ही सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स टेरेस्ट्रियल हैबिट में पाए जाते हैं, यानी लैंड पे पाए जाते हैं। दोनों क्लासेस में वन पेयर ऑफ एंटीना मिलती है और वन पेयर ऑफ सिंपल आइज मिलती है। दोनों के ही माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट होते हैं और वन पेयर ऑफ मैंडिबल होता है। दोनों में रेस्पिरेशन भी ट्रैकियल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ऑस्टिया होते हैं और बॉडी फ्लूड हीमोलिम्फ होता है। दोनों में ही डेवलपमेंट डिफरेंट फेजेस से होती है और इनमें मेटामॉर्फोसिस मिलता है। और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। सेंटीपीड्स में हर सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और वहीं मिलीपीड्स में हर सेगमेंट में टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी मिलीपीड्स में नंबर ऑफ लेग्स ज़्यादा होते हैं। ये करैक्टर आप इनके नाम से भी याद रख सकते हैं। सेंटी का मतलब होता है हंड्रेड और मिली मीन्स होता है थाउजेंड, तो थाउजेंड्स ऑफ लेग्स वाले क्रिएचर्स हैं मिलीपीड्स और हंड्रेड्स ऑफ लेग्स वाले क्रिएचर हैं सेंटीपीड्स। और इन्हीं लेग्स में से फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स सेंटीपीड्स में पॉइजनस क्लॉज के फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं, जिसके कारण ये कार्निवोरस होते हैं। और वहीं मिलीपीड्स हर्बीवोरस होते हैं और प्लांट डेड डिकिंग मटेरियल पे फीड करते हैं। एक और डिफरेंस जो आपको सेंटीपीड और मिलीपीड में मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की ओपनिंग जिसे गोनोफोर कहा जाता है, वो सेंटीपीड्स में टर्मिनल सेगमेंट में मिलती है, यानी ओफिस्टोजेनाइटल गाइनोफोर होता है। और वहीं मिलीपीड्स में ये जेनाइटल गोनोफोर अपर रीजन, यानी जिसे हम प्रोसोमा बोलते हैं, उसके अंदर थर्ड सेगमेंट में मिलता है। इसे बोलते हैं प्रोजेनाइटल गोनोफोर। ये जेनाइटल गोनोफोर फीमेल ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं और मेल के अंदर ये गोनोपोड्स होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है क्लास इंसेक्टा, जो कि सब फाइलम हेक्सापोडा में आती है। वर्ड इंसेक्ट लैटिन वर्ड इंसेक्टेर से डराइव्ड है, जिसका मतलब है टू कट इनटू, यानी इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स को जब आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि उनकी पूरी बॉडी आप थ्री सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं या थ्री सेक्शंस कट कर सकते हैं। इंसेक्ट्स की बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स फर्दर थ्री सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। थोरेक्स के हर सेगमेंट में ए पेयर ऑफ लेग्स मिलते हैं। इस तरह से थ्री सेगमेंट्स में थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स मिलते हैं, यानी सिक्स जॉइंटेड लेग्स। इसीलिए क्लास इंसेक्टा को कॉमनली हेक्सापोडा भी बोला जाता है
और इसलिए क्लास इंसेक्टा सब फाइलम हेक्सापोडा में आती है। इंसेक्ट्स में टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो कि थोरेक्स के मीजो एंड मेटाथोरेक्स सेगमेंट से अटैच्ड होते हैं। इंसेक्ट्स में सेंसरी ऑर्गन्स में अ पेयर ऑफ एंटीना पाए जाते हैं, यानी दो एंटीना होते हैं एंटीरियर हेड पोर्शन पे, और साथ में अ पेयर ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल आईज दोनों पाई जाती है। इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट होते हैं, यानी अ पेयर ऑफ मैंडिबल पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, यानी इनमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकी बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होती है, इनकी ओपनिंग को बोलते हैं स्पायरिकल्स। इंसेक्ट्स में डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है, यानी इनकी डेवलपमेंटल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होते हैं। इंसेक्ट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ऑस्टिया होते हैं और बॉडी फ्लूड हीमोलिम्फ होता है। इंसेक्ट्स में एब्डोमन 10 टू 12 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है और इनमें 8th एंड 9th सेगमेंट में जेनाइटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में फूड हैबिट्स की बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स फाइटोफैगस होते हैं, यानी प्लांट मटेरियल को फीड करते हैं, और कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, यानी प्रे को मारकर खाते हैं, और कुछ पैरासिटोइड होते हैं, यानी अदर इंसेक्ट्स पे पैरासाइट होते हैं। मेनली इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की 97% पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की है, इसीलिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आगे के लेक्चर्स में हम क्लास इंसेक्टा को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट्स में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, स्कॉर्पियन में कौन सी तरह के लंग्स पाए जाते हैं। Enjoy learning.